श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में आज बागड़पुर तिराहे के पास थानागढ़ पुलिस चेकिंग कर रही थी। उसी समय स्याना की तरफ से एक व्यक्ति मोटरसाइकिल पर आता हुआ दिखाई दिया, जिसे रुकने का इशारा किया गया तो उसने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। आत्मरक्षा की गई फायरिंग में एक व्यक्ति को गोली लगी है, जिसे घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया गया है तथा उसे उपचार के लिए अस्पताल रवाना कर दिया गया है। प्राथमिक पूछताछ में इसने अपना नाम रोहिल बताया है, जो कि थाना गढ़ मुक्तेश्वर के ही अल्लाह बख्तपुर गांव का रहने वाला है। यह थाना का स्पीचीटर भी है, साथ ही हाल ही में हुई दो गुरुपसी की घटनाओं में यह वांछित भी चल रहा था और इस पर दर्जन भर से ज़्यादा मुकदमे पंजीकृत हैं, जो कि बड़ी ही संगीन धाराओं में हैं, जैसे कि गुरुपसी के कई गुरुपसी हैं, गैंगस्टर है, हत्या है, हत्या का प्रयास है, गैंगरेप है, इत्यादि कई सारे इसके मुकदमे हमें अब तक पूछताछ में और सघनता से हमने जब चेक किया तो हमें मिले हैं। इसके कब्जे से हमें लगभग 450 रुपये नगद, एक अवैध तमंचा, मैखोखा कारतूस, जिंदा कारतूस और एक मोटरसाइकिल और गोकसी के कुछ सामान बरामद हुए हैं। इस संबंध में थाना हाजा पर मुकदमा पंजीकृत कराया जा रहा है तथा अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है।